समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर आज मुरादाबाद के एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में साल 2008 के एक मामले में आजम खान सहित सपा के 8 नेताओं पर अपना फैसला सुनाएगी। दरअसल 31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। इसको लेकर पुलिस आतंकियों की तलाश में चेकिंग कर रही थी। इस दौरान मुरादाबाद में छजलैट थाना के सामने पुलिस चेकिंग कर रही थी, जहां से अपने बेटे के साथ सहारनपुर जा रहे आजम खान की ब्लैक फिल्म वाली कार को पुलिस ने रुकवाया तो अब भड़क उठे और उन्होंने अपने साथियों समेत छजलैट थाने के आगे हरिद्वार मुरादाबाद स्टेट हाईवे पर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए, जिससे मौके पर जाम लग गया। इस पर पुलिस ने सपा नेताओं पर रोड जाम करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और बलवा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, तत्कालीन सपा विधायक व कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी, बिजनौर के सपा नेता नईम उल हसन, सपा नेता डीपी यादव, राजेश यादव और सपा नेता राजकुमार प्रजापति को आरोपी बनाया है, जिनके खिलाफ इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें सभी 6 फरवरी को धारा 313 के तहत अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि एमपीएमएलए के स्पेशल कोर्ट इस मामले में बेल देती है या जेल की हवा खिलाती है। जी जी, लोगों ने कोई गलत नहीं किया, इसलिए लोगों को आज बाईस बड़ी कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। सब बड़ी हो गया। अच्छा,